आज नोटबंदी का 11वां दिन है, लेकिन आज आप अपने ही बैंक में पैसा बदलवा सकते हैं। दूसरे बैंकों के ग्राहक पुराने 500 और 1000 के नोटों को नहीं बदलवा सकेंगे। हालांकि वरिष्ठ नागरिकों को किसी भी बैंक से नोट बदलवाने की छूट दी गई है। इंडियन बैंक एसोसिएशन ने शुक्रवार को इसकी घोषणा की थी। दरअसल पिछले दिनों बुजुर्गों के लाइन में खड़े होने को लेकर लगातार सवाल उठ रहे थे। लंबी कतारें होने की वजह से बुजुर्गों को नोट बदलने में दिक्कतें आ रही थी। हालांकि सरकार ने बैंकों को सीनियर सिटीजंस के लिए अलग से लाइन की व्यवस्था करने का आदेश दिया था, लेकिन बावजूद इसके वरिष्ठ नागरिकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। इसी को देखते हुए आज एक दिन के लिए ये फैसला लिया गया है। सोमवार से फिर सभी बैंकों से नोट बदलने की व्यवस्था शुरू कर दी जाएगी। दूसरी तरफ जहां विपक्ष सरकार के फैसले से नाराज है, तो वहीं समाज सेवी अन्ना हजारे ने इस फैसले की सराहना की है। उन्होंने कहा है कि अच्छा कदम है, इससे पूरी तरह से कालाधन खत्म नहीं होगा, लेकिन निश्चित रूप से कुछ हद तक लगाम लगेगी। अभी लोगों को परेशानी हो रही है, लेकिन भविष्य में इसका असर देखने को मिलेगा। तो बैंकों के इस फैसले से बुजुर्गों के चेहरे पर मुस्कान है। हालांकि पैसा बदलवाने वालों की परेशानियां अभी वहीं की वहीं बनी हुई हैं। सरकार कई कदम उठा चुकी है, लेकिन मुसीबत है कि बढ़ती चली जा रही है। साथ ही छोटे उद्योग धंधों को इससे काफी नुकसान पहुंचा है। देखते रहिए डीबी लाइव।